जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आइए जी, एक और झटपट टिफिन में तैयार करने वाला नाश्ते की रेसिपी आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, और बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाएंगे, जिसका नाम है ब्रेड और कटलेट। हम घर पर कैसे बनाएं, वो भी बिना प्याज और लहसुन के आज मैं बना रहा हूँ। तो आइए जी शुरू करते वीडियो। तो ये लिए जी आलू, और इनको हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। बॉयल करके छिलका निकाल के इनको हमने ठंडा कर लिया है। और ब्रेड लिए हैं जी, तो ब्रेड है, कटलेट है तो पता ही है आपको। ब्रेड ले लिए हैं, हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, थोड़े से मटर लिए हैं, और जी एक गाजर का टुकड़ा लिया है, थोड़ी सी बीन्स की फलियां हैं, और हरी मिर्च है जी, डालेंगे हरी मिर्च अपने हिसाब से, बाकी नमक भी डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब्जियों को बॉईल कर लेते हैं। जो रेस्टोरेंट में कटलेट के अंदर जो सब्जी हमें दिखती हैं, वो किस तरीके से हम उन सब्जियों को डाल के कटलेट बनाएं, तो आज मैं ये रेसिपी बना रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जियों को काट लेंगे इस तरीके से जी, बीन्स की साइड निकाल देंगे पहले, और इनको जितना हो सके आपसे उतना बारीक काट लें। तो इस तरीके से आपसे जितना बारीक कट सके आप उतनी काट लें। और ये सब्जी जो कटलेट में दिखती है हमें, गाजर मटर और बीन्स, तब वो कटलेट कितनी अच्छी लगती है हमें देखने में, वेज कटलेट। तो आज वही रेसिपी बन रही है जी। इसी तरीके से जी गाजर छील लीजिए बढ़िया तरीके से, और धुलाई कर ली है ये, इस तरीके से निकाल लेंगे इसका भी पतला पतला। इससे क्या आसानी से हमारी जितनी बारीक हम चाहें उतनी बारीक गाजर कट जाती है। उसके बाद इस तरीके से इनको बारीक बारीक निकाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर इनको एक साथ ऐसे करो, और जी कितनी भी बारीक काट लो, ये देखिए भी काट लूँगा जी मैं हरी मिर्च इसी तरीके से, देखिए। वाह जी वाह, कितनी, बच्चों को बहुत ज़्यादा आलू खाने पसंद है टिफ़िन में, चाहे आलू पराठा हो या आलू के फिंगर चिप्स हो या कोई भी आलू की रेसिपी हो, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। पर उसमें क्या है, सिर्फ आलू ही रहते हैं, तो इसलिए आज हम पेट में थोड़ा बहुत बच्चों के शरीर में हरी सब्जी भी जानी चाहिए, तो इसलिए जी सब्जी डाल के बन रही है कटलेट। तब तक आप लोग वीडियो कीजिए लाइक। इसी तरीके से जी अदरक को भी काटेंगे बिल्कुल बारीक प्यार के साथ। वाह जी वाह, क्या बात है, ये कट गया जी अदरक। पैन ले लिया जी, पहले सब्जियों को करेंगे हल्का बॉईल, 1 से 2 मिनट गैस करेंगे ऑन, पानी उबलने देंगे, और हल्की सी नमक डाल के पानी के अंदर सब्जियों को डालेंगे। अब वो सब्जी डालनी कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जी सबसे पहले तो नमक डाल दूंगा इसके अंदर, ये गया जी नमक। वाह, अब डाल देंगे जी मटर। वाह जी वाह, तो मटर डालूंगा, गाजर डालूंगा और बीन्स डालूंगा। इन्हीं 3 सब्जियों को हमें इसमें बॉईल करना है, 1 से 2 मिनट इनको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। सब्जी हो रही है जी बॉईल, तब तक आलूओं को कर लेते हैं मैश। आइए ये लिए जी आलू, फोक ले लें आप ऐसे, और फोक नहीं है तो आप किसी और चाकू से भी काट के अच्छे से मैश कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए इन, ये देखिए जी आलू कर दिए बिल्कुल मैश। इस तरीके से आप भी कर लें, अगर फोक से नहीं हो पाते हैं तो आप हाथ से भी इन आलूओं को फोड़ सकते हैं। तो अब सब्जी हो गई है जी हमारी बॉईल, क्या बात है। ये देखिए सब्जी को छान देंगे एक छन्नी में, और पानी प्रोटीन है इसमें आपको पता ही है, तो पानी ना फेंकें, बाकी आपकी इच्छा है। ये देखिए जी सब्जियां, वाह जी वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी बॉईल हुई है, क्या कलर मैचिंग, आह हरा भी है लाल भी है मटर भी, आह वाह जी वाह। ये डाल देंगे सब्जियां, थोड़ा सा सब्जियों को भी कर लेंगे जी इस तरीके से मैश, जो मटर है हमारा टूट जाए, ताकि ये आलूओं में अच्छे से मिक्स हो सके। ये देखिए जी कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है, और कितने अच्छे सब्जियां हैं, तो विटामिन भी है प्रोटीन भी है सब कुछ है। अब इसमें जी डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले, अदरक बारीक कटा, हरी मिर्च बारीक कटी, और जी डालूंगा हरा धनिया। वाह जी वाह, ये सबसे प्यारा मेरा मित्र है, दोस्त है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता एक पल भी। तो यह गया जी हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे जी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर अरारोट,
और जी डाल दूंगा थोड़ा सा चाट मसाला, वाह। और जी डाल देंगे नमक स्वाद के हिसाब से, और इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। चाहे तो आप हाथ से कर लें, चाहे आप चम्मच से करें, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए जी कितने अच्छे से आलू मिक्स हो चुके हैं हमारे, सब्जियां भी और आलू भी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, लिए ब्रेड, और इन ब्रेडों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। चाहे तो आप हाथ से भी इनको रगड़ रगड़ के बारीक पाउडर बना सकते हैं। और थोड़ा सा लिया है जी पोहा, पोहा लिया इसलिए अगर हमारे आलू गीले हो जाएं सब्जियों के कारण, ये गरम गरम आप बनाते हो तो गीले अगर आलू हो जाते हैं तो पोहा जो है पानी को खींचता है, तो हमारे आलू जैसे हमें चाहिए वैसे ही सूखे सूखे क्रिस्पी, मतलब कटलेट जब हमारी बनेंगी तो बहुत अच्छी बन के तैयार होंगी करारी। तो इनको इसको भी मैं ब्रेड के साथ ही पीस लूँगा। तो ये देखिए जी जार ले लिया है, ब्रेड तोड़ के डाल दिए दो, इसी में डाल दूंगा पोहा, थोड़ा सा ही है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है आपको पता है। और जी अगर आपका ज़्यादा गीला होता है तो पोहा डालना ठीक है, आप और भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। तो आइए जी इसको बारीक पीस लेते हैं। ये देखिए जी कितना अच्छा हमारा पिस चुका है, ब्रेड भी और पोहा भी, और ये आसानी से पिस जाता है, इस चीज़ का आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से आप भी पीस सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगा जी इस तरीके से, ताकि जो हमारा पानियों सब्जियों में या आलू के अंदर जो पानी है वो ये खींच ले और हमारी कटलेट एकदम बढ़िया परफेक्ट बन जाए। इनको भी मिक्स कर देंगे जी बढ़िया इस तरीके से। ये देखिए जी कितना अच्छा हमारा ये आटा गूंथ के एक तरीके से रेडी हो गया है, और इसको जो है 2 से 3 मिनट रख दें, क्यों, ताकि पोहा जो है और ब्रेड इसका पानी जो भी इसमें है उसको सोख ले और ये अच्छे से टाइट रहे। तो तब तक ये हमारा हो रहा है रेडी, तब तक करेंगे जी तेल भी गरम, तेल में भी मैं तलूंगा इसको आज, और तवे पे भी हम तलेंगे बिना तेल के। तो मैं दोनों तरीके से आपको आज कटलेट फ्राई करके बताऊंगा जी, तो आगे देखिए। तवा चढ़ा दिया जी, गैस कर दिए ऑन, इधर तेल भी चढ़ा दिया हमने, ये भी ऑन है, और तब तक बनाते हैं कटलेट बढ़िया, इनको गर्म होने देते हैं। तो आइए जी तेल ले लिया एक कटोरी में, ताकि ये चिपके ना आपके हाथों पे, इस तरीके से लगाएंगे, वाह इस तरीके से जी इसको ले लेंगे, और अच्छे से आप चाहें तो इसको इस तरीके से रोल भी बना सकते हैं, ये इस तरीके से भी, और आप चाहें तो इनको गोल गोल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी इस तरीके से, अगर आपको शेप बनाने में दिक्कत है तो आप इस तरीके का भी ले सकते हैं। दूसरा जी एक है, इसी तरीके से लेंगे दूसरा, साइज आप अपने हिसाब से, आलू जितना आपको चाहिए उतना ले लें, इस तरीके से भी इसको बढ़िया सा शेप देंगे ये। एक शेप ये है जी, तो आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से ले लें। और एक तीसरा शेप और मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसको ऐसे हमने कर लिया लंबा, और इधर से इसमें लगाएंगे जी थोड़ा सा इस तरीके से कट, बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल होटलों में आपने जो देखा है जो कटलेट, वो इस तरीके से पान के पत्ते की तरह जो होता है ये। तो आप कोई सा भी जो भी आपको पसंद है उस तरीके का आप बना लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर सब कुछ, तो ये देख के ही खाने को मन कर रहा है, तो फ्राई होगा तो बताइए फिर आपको। तो पहले तो तवा हो गया जी गरम, तवे के ऊपर रखेंगे हम कटलेट, थोड़ा सा तेल बिल्कुल, जिनको बिल्कुल तेल पसंद नहीं है उनके लिए है जी ये। और इधर जो है ये ब्रेड क्रम, आप चाहें तो इसको ऐसे भी सेक सकते हैं, और चाहें तो इसमें भी आप डीप हल्का हल्का इसको रैप कर लें इस तरीके से, और जी फिर इस टिक्की को आप सेक सकते हैं ये, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये रख देंगे जी इधर, एक ये रख देंगे बिना क्रम लगाए, ब्रेड लगाए, ये इनको पकने देते हैं,
तब तक हम तेल में भी फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से लगाते रहें और जो है तेल भी है गरम, तो तेल में भी डाल देंगे जी बढ़िया तरीके से आराम के साथ ये, और बढ़िया कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से पलट पलट के हम सभी को इन टिक्कियों को सेक लेंगे, पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे जी। और ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर क्रिंची और कितनी कुरकुरे रही है, टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो रही हैं। और इधर तवे पे भी है जी, ये भी सिक रही हैं। तो इनको भी आप ऐसे हल्का हल्का ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल तो लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हल्का हल्का एक एक बूंद टपकाते रहें और सेकते रहें। और गैस है जी अभी हमारी तेज, ये देखिए वाह जी वाह कितना अच्छा इनमें रंग आ रहा है। और जो पकती रहेंगी उनको निकालते रहेंगे बाहर, इस तरीके से साइड कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है हमारा वो भी बाहर निकल जाएगा कटलेट से। ये देखिए तो ब्रेड भी सेक लेते हैं जी बढ़िया करारे एकदम, और ये सब टिक्कियां बन चुकी हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कड़क है और कितना अच्छा रंग आया है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ब्रेड ऐसे सेक लेंगे जी और ब्रेड में लगाएंगे और गर्मा गर्म सॉस के साथ बढ़िया तरीके से खाइए, एंजॉय लीजिए। ये देखिए जी कितने अच्छे ब्रेड भी हमारे सिक गए एकदम कड़क, और आप चाहें तो बटर में सेक सकते हैं, देसी घी भी लगा के हल्का हल्का इनके ऊपर और आप सेक सकते हैं। आपको जिसमें पसंद हो आप उस हिसाब से आप इनको पका लें। और जी ये हो गया रेडी, और रख देंगे जी ब्रेड साइड कर लेंगे। वाह जी वाह, ये देखिए आज एक और लाजवाब रेसिपी आपके सामने है, और कितनी अच्छी कड़क एकदम हमारी ये कटलेट बनकर रेडी हुई हैं। तो वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये है जी बिना उबाली बिना तेल की डीप फ्राई जो हमने नहीं करी थी, सीधी तवे पे हमने सेकी हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।